नंबर वन हमारा टॉपिक है किशोर में किशोरियों के प्रति हिंसा। आज हम अपने एक्ट द्वारा आपके सामने अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया ध्यान से देखें क्योंकि इसके बारे में आपसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सबको मिलेंगे ना? दूसरा दृश्य, मुझे भी देख ले एक बार। इधर इधर उनको ले एक बार, उधर चलना। कहाँ जा रही है? क्या करना है? पीछे पड़ा रहता है। क्यों पीछे पड़ा है? तुम लोग अच्छे लगते हो। अरे सुन तो जा, अरे दूसरे वाले छोटे वाले देख लेना। अरे दूसरे रास्ते से चलो, आज से कल दूसरे रास्ते से आएंगे। मैं कल तो भाई बिलूंगा, तो मैं खड़ा हुआ दूसरे वाले भाई। कल का जवाब क्या करूं मैं? लड़की होना भी दुश्वार हो गया मेरे लिए, तो पढ़ाई भी नहीं कर सकते। अब प्रस्तुत है तीसरा दृश्य। मीनू नीरू वहां मर गई। दो घंटे हो गए, क्या करूं मैं इनका? तीन दृश्य आप लोगों ने देखे, पहले दृश्य में आपको देखकर क्या लगा? दूसरे दृश्य से कैसा लगा? दूसरे दृश्य में एक लड़का दो लड़कियों को, जो टीनेजर्स है, टीनेजर्स के बारे में ही चर्चा है ये, तो उनको छेड़ रहा है, तो उससे उसको देख के कैसे लगा? मौन इंसान। और जो लास्ट वाला दृश्य था, लास्ट वाला दृश्य शारीरिक हिंसा, तो हिंसा हमारे, हमें टॉपिक मिला किशोर किशोरों के प्रति हिंसा। हिंसा भी उनके प्रति तीन प्रकार की है, एक शारीरिक हिंसा है, एक मानसिक हिंसा और तीसरी यौन हिंसा। और वही हमने तीनों दृश्य में अच्छे से दिखा दिया है।
अब ये जो हिंसा है इसका प्रभाव बच्चा जब हमारे स्कूल में आता है या हमारे संपर्क में आता है, हमारे समाज में कोई बच्चा है, खाली स्कूल में ही नहीं, हमारे समाज में जहाँ हम जाते हैं, कहीं हम पार्टी वगैरह में जाते हैं या फिर हम कहीं काम पे जाते हैं, उस जगह पे हमें जो बच्चे दिखाई देते हैं, देखा है कि कुछ बच्चे बिल्कुल भीड़ से अलग हटके रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनके नेचर में है, वो किसी कारण से पूरे पूरे सब बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं। एक तरह का बच्चा वो होता है कि जो जिसकी नेचर है वो इंट्रोवर्ट होते हैं, उनकी नेचर है कि वो सब बच्चों से बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं है, लेकिन हंसते हैं, बोलते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन वो बच्चा हमारा पीड़ित बच्चों में नहीं आता है। दूसरा बच्चा है जो कि डरा सहमा रहता है, कुछ अपना व्यक्त नहीं कर पाता, किसी दूसरे बच्चे के साथ शेयर नहीं करता है, कभी खुश नहीं होता है और बस हमेशा दुखी सा और अनमना सा रहता है। एक लक्षण ये है जो कि किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित होते हैं बच्चे, शारीरिक या मानसिक जो भी कुछ है। और कुछ बच्चे चुपचाप रहते हैं और उन बच्चों में जिज्ञासा बिल्कुल खत्म हो जाती है। हम कुछ भी क्लास में कराएं, कुछ भी कराएं या समाज में कुछ भी हो रहा हो, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं होता, वो सिर्फ उसी दुनिया में रहते हैं क्योंकि वो उस कष्ट से पीड़ित है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे उसके प्रति यौन हिंसा का कुछ भी केस आया हो। ये सब लक्षण हम बच्चे को अगर देख लें तो हमें ध्यान देना चाहिए। ये जिम्मेदारी हम जिम्मेदार नागरिक हैं सबकी है, खाली माँ बाप की नहीं है, खाली टीचर्स की नहीं है कि कोई बच्चा अगर हमें ऐसे दिखाई देता हो तो अगर हम उसको जानते हो तो उसके संदर्भ में उनके घर वालों से पूछें, चर्चा करें कि भाई कुछ ऐसा है, अपने बच्चे को देख लो, संभाल लो, क्योंकि कोई बच्चे आगे जाने वाले टाइम में एक जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं और वही हमारे समाज का निर्माण करते हैं। इन लक्षणों से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है कि हमारे समाज को निष्क्रिय नागरिक मिलते हैं।